हाय एवरीवन, विवेक गुरुजी चैनल में आपका स्वागत है। मैं विवेक सिंह, और सबसे पहली बात, सवेरे उठते ही मुझे एक बहुत ही बढ़िया न्यूज़ मिली। और वो न्यूज़ क्या, यूपी गिव्स इंडस्ट्री स्टेटस टू वेयर हाउस एंड लॉजिस्टिक्स सेक्टर। समझते हैं इस बात को बहुत ध्यान से। सबसे पहली बात तो आपको अच्छे तरीके से पता है कि आपने अभी तक यही सुना होगा, अभी तक यही सुना होगा कि अगर हम एक बात करते हैं यूपी की, बात करते हैं बिहार की, बात करते हैं बंगाल की, तो यही तीन ऐसे स्टेट हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा लेबर हैं और यही माइग्रेट कर रहे हैं, दूसरे स्टेट से यूपी की तरफ जा रहे हैं, बिहार की तरफ जा रहे हैं, बंगाल की तरफ जा रहे हैं। कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि साउथ इंडिया का लेबर जा रहा है, आपने ये नहीं सुना होगा पंजाब का लेबर जा रहा है, ठीक है। आपने हमेशा यही सुना होगा कि यहाँ से ये दूसरे स्टेट से यूपी की तरफ, बंगाल की तरफ और बिहार की तरफ माइग्रेशन है। रीज़न इसका सभी को पता है, यूपी, बिहार और बंगाल ये तीनों ऐसे स्टेट हैं जो अपने आप को कभी भी एक पुरानी विचारधारा से नहीं निकाल पाए, ठीक है ना। हमारा जो ओल्ड ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर है, जो गवर्नमेंट को एडवाइस करता है, उसने कभी ये चीज़ एडवाइस नहीं की कि भैया यहाँ पे इंडस्ट्री लगाओ, क्योंकि अगर शायद यहाँ पे इंडस्ट्री होती तो ये प्रॉब्लम हमें देखने को नहीं मिलती। ऐसा कोई स्टेट नहीं है, जैसे अगर हम यूपी, बिहार और बंगाल की बात छोड़ दें तो किसी स्टेट की अगर हम बात करें तो वहाँ पर माइग्रेशन नहीं हो रहा है, बैंगलोर में माइग्रेशन नहीं हो रहा है। जो भी माइग्रेशन हो रहा है वो यूपी की तरफ ही हो रहा है, बिहार की तरफ हो रहा है, बंगाल की तरफ हो रहा है। तो भाई इस दिशा में अगर हम बात करें तो हम क्लैपिंग मिस्टर आदित्यनाथ योगी कि वो यूपी गिव्स इंडस्ट्री स्टेटस टू वेयर हाउस एंड लॉजिस्टिक सेक्टर की वो तरफ दे रहे हैं। क्योंकि देखो, अगर मैं बहुत हिस्ट्री की बात करूँ, सिंपल सी बात करूँ, बिहार एक ऐसा स्टेट रहा जिसने कोयला बहुत दिया, ठीक है ना। बिहार से कोयला जब जाता था साउथ इंडिया तो जो उसका भाड़ा लगता था वही भाड़ा विद इन बिहार लगता था। सोच लो कि अगर हम बिहार टू बिहार कोयला लेके जा रहे हैं तो सेम भाड़ा देना पड़ता था जो बिहार से साउथ इंडिया की तरफ भाड़ा देते थे। तो हमेशा से साउथ इंडिया ने या नॉर्थ के कुछ हिस्सों ने हमेशा से वो प्रो इंडस्ट्रिस्ट रहे, और जब वो प्रो इंडस्ट्रिस्ट रहे तो उनके यहाँ लेबर माइग्रेशन की कोई प्रॉब्लम है नहीं, और हम हमेशा से वही कम्युनिस्ट विचारधारा लेके पैदा हुए और कम्युनिस्टों की तरह सोचा। और या अब इसमें कोई डिबेट डिस्कशन नहीं है कैपिटलिस्ट सोशलिस्ट के बीच में, ठीक है ना, या कम्युनिस्ट के बीच में, बस मैं समझा रहा हूँ आपको। अब ध्यान से सुनो, मैं इस पूरे प्रॉब्लम को डिकोड कर रहा हूँ, और ध्यान से सुनना मेरी बात और एक एक पॉइंट को एनालाइज करने का प्रयास करना, क्योंकि पॉइंट को एनालाइज करोगे तब मज़ा आएगा। आपको ही पता है कि कार्ल मार्क्स एक बंदा था, क्योंकि कार्ल मार्क्स इज बिलोंग फ्रॉम जर्मनी। देखो ये जो समय है ना, ये एक चेंज का समय है, इस समय एक चेंज का समय चल रहा है, और इस चेंज के समय में आपको डिलेमा दिखाई देगा कि जो गवर्नमेंट कर रही है कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये एक चेंज का समय है और ये करना बहुत ज़रूरी है इंडिया के लिए। क्योंकि अगर इस चेंज को इंडिया अडॉप्ट नहीं करता है तो ये जो हमारे जैसी जनरेशन है ना, इसके लिए बड़ा ही घातक हो जाएगा, ठीक है। तो इस चेंज को हमें अडॉप्ट करना पड़ेगा किसी भी तरीके से, और इस चेंज के टाइम में जो गवर्नमेंट है वो किसी से एडवाइस भी नहीं ले रही है। उसका रीज़न है एक, क्योंकि गवर्नमेंट को एडवाइस इसलिए नहीं ले रही है क्योंकि उसको पता है कि जो ब्यूरोक्रेसी में बैठा है वो उसी ओल्ड मेंटेलिटी वाला बैठा है, वही कम्युनिस्ट और वही द हिंदू पेपर पढ़ के, और वही जो क्या बोलते हैं इंडियन एक्सप्रेस पढ़ के और EPW पढ़ के अपनी मानसिकता को बनाया हुआ, और कल को जब वो गवर्नमेंट में आएगा एडवाइस देगा तो वो कहीं ना कहीं उसी के फेवर करेगी जो पहले वाला इकोनॉमिक स्ट्रक्चर और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को लेके। तो अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो ध्यान से सुनना कि जब भी हम कार्ल मार्क्स की बात करेंगे तो कार्ल मार्क्स ने कहा कि प्रॉस्पेरिटी ऑफ कैपिटलिस्ट क्लास डिपेंड ओनली एंड ओनली ऑन द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्किंग क्लास बिकॉज द लार्ज पार्ट ऑफ देयर प्रॉफिट कम्स फ्रॉम द लेबर क्लास। कि मार्क्स ने ये कहा कि जो ये कैपिटलिज्म है, जैसे अमेरिका और यूरोप में जो कैपिटलिस्ट कंट्री हैं, इनकी प्रॉस्पेरिटी का एक ही रीज़न है कि इन्होंने हमेशा से लेबर क्लास का क्या किया है, एक्सप्लॉयटेशन किया है, ठीक है ना। क्योंकि अगर इस दुनिया में अगर हम बात करें कि 100 लोग हैं तो 100 लोग में से 95 लोग जो हैं वो वर्किंग क्लास हैं, और जो 5 लोग हैं वो क्या हैं, कैपिटलिस्ट क्लास हैं। तो अगर वर्किंग क्लास अपने आप को एक्सप्लॉयट नहीं होने देना चाहता है तो सबसे पहले उसको क्या करना पड़ेगा कि इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पावर लेना पड़ेगा। क्योंकि जब तक वो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पावर नहीं लेगा तब तक वो कैपिटलिस्ट क्लास को हरा नहीं पाएगा। इसी सीरीज में मार्क्स की अगर हम बात करते हैं तो मार्क्स ने क्या, अगर मैं प्री मॉडर्न वर्ल्ड और मॉडर्न वर्ल्ड की बात करूँ तो प्री मॉडर्न वर्ल्ड में ज़मीन थी, और उस ज़मीन पर जो सामंत था, फ्यूडल लॉर्ड्स था, उसका कब्जा होता था, वही एक रूलिंग क्लास होता था।
फिर दुनिया मॉडर्न वर्ल्ड में पहुंची तो जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो किसके हाथ में आया, इंडस्ट्री के, और इंडस्ट्री को कौन रेगुलेट कर रहा है, कैपिटलिस्ट रेगुलेट कर रहा है। तो मार्क्स ने ये कहा कि अगर लेबर क्लास एक्सप्लॉइट नहीं होना चाहता है, लेबर क्लास अगर एक्सप्लॉइट नहीं होना चाहता है तो किसी भी तरीके से वो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पावर ले, जब वो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पावर ले लेगा तो वो एक्सप्लॉइट नहीं होगा। फिर मार्क्स ने ये भी बात कही, मार्क्सिज्म की अगर हम बात करें तो उसने क्लासलेस सोसाइटी की बात करी, स्टेटलेस सोसाइटी की बात करी, ठीक है। लेकिन मार्क्स ने अपनी बात में ये बात जरूर कह दी कि भाई ये बात याद रखो कि जो ये मेरा क्लासलेस सोसाइटी और जो ये मेरा स्टेटलेस सोसाइटी है, एक्चुअली में ये एक आइडल कॉन्सेप्ट है और ये कभी भी ये इसको आप अडॉप्ट नहीं कर सकते, इसका क्या बोलते हैं प्रैक्टिकल यूज़ नहीं हो सकता। लेकिन जो भी फ्यूचर कम्युनिस्ट लीडर थे उन्होंने क्या किया, मार्क्स के इस इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पावर के कॉन्सेप्ट को ले लिया और उस कोर प्रिंसिपल को ले लिया और उसी कोर प्रिंसिपल से कम्युनिज्म का, लेनिनिज्म का, स्टालिनिज्म का, माओनिज्म का, कैस्ट्रोइज्म का जन्म हुआ, ठीक है। अब फ्यूचर जो कम्युनिस्ट लीडर थे, क्योंकि आपको भी अच्छे तरीके से पता है एक्सट्रीमिज्म इज़ अ फीचर ऑफ एवरेज माइंड, अगर आप किसी भी चीज़ को लेके एक्सट्रीम है इसका मतलब हुआ कि आपका जो माइंड है वो एवरेज है, ठीक है। अब एक्सट्रीमिज्म इज़ अ फीचर ऑफ एवरेज माइंड, तो अगर हम ये बात करते हैं कि जो कम्युनिस्ट लीडर हैं, कम्युनिस्टों को ये बात पता है अच्छी तरीके से, जो कैपिटलिस्ट है वो लेबर क्लास को एक्सप्लॉइट करता है, नो डाउट करता है, कैपिटलिज्म जो है वो लेबर क्लास को एक्सप्लॉयटेशन करता है और इसी एक्सप्लॉयटेशन से उसके पास पैसा आता है और वही उसकी प्रॉस्पेरिटी है। तो कम्युनिस्ट लीडरों को ये एक्सप्लॉयटेशन ख़त्म करना चाहिए ना, कम्युनिस्ट लीडर जो है वो कैपिटलिज्म को ख़त्म करने के पीछे क्यों पड़ गए। मेरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, अगर ये बात अगर किसी के भेजे में घुस रही होगी कि दोज हु आर कम्युनिस्ट लीडर है ना, द एंटायर फोकस ऑफ द कम्युनिस्ट लीडर टू एंड एक्सप्लॉइट इन कैपिटलिज्म नॉट एक्सप्लॉयटेशन, वो एक्सप्लॉयटेशन को ख़त्म करने के पीछे नहीं पड़ रहे हैं, कैपिटलिज्म को उड़ाओ। और यही एक गलती करी कम्युनिस्ट लीडरों ने कि वो कैपिटलिज्म के पीछे पड़ गए। कैपिटलिज्म जो है टैलेंट को भी प्रमोट करता है, कैपिटलिज्म टैलेंट को भी प्रमोट करता है, इनोवेशन को भी प्रमोट करता है, तो इसको तो अडॉप्ट करो भाई, इसको आपने क्यों नहीं अडॉप्ट किया। अब एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर हम बहुत सिंपल लैंग्वेज में एग्जांपल लेते हैं तो ध्यान से समझना कि भाई आज अगर हम चाइना का एग्जांपल लेते हैं तो चाइना यूरोप और अमेरिका के जितनी भी कंपनियां हैं उनको कंपटीशन कैसे दे पा रहा है, उसका एक रीज़न है, क्योंकि उसने क्या किया, क्योंकि कहते हैं ना चाइना का जो आगे का पहिया है वो कम्युनिस्ट है और जो पीछे का पहिया कैपिटलिस्ट है, ठीक है ना। अब जैसे चाइना की बात करें, मान लो कि एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है और यहाँ पे अगर यहाँ पे क्या बोलते हैं चाइना है। अब चाइना की एक कंपनी है वो अपना प्लांट लगाती है एप्पल का यहाँ पे चाइना में, क्योंकि उसको पता है कि चाइना में लेबर सस्ता है और जब भी अमेरिका में जाएगी तो अमेरिका में जो लेबर है वो डियर है, महंगा है, ठीक है ना। तो वो यहाँ पे उसने क्या किया, अपनी इंडस्ट्री लगा दी और उससे पैसा कमाना शुरू किया। अब चाइना ने क्या किया कि जो ये प्रोडक्ट है एप्पल प्रोडक्ट जो यहाँ पे बन रहा है उसकी री इंजीनियरिंग शुरू कर दी और री इंजीनियरिंग में पैसा गवर्नमेंट खुद दे रही है और किसको दे रही है, जो वहाँ की स्मॉल और माइक्रो कंपनियाँ हैं उनको कह रही है तुम घाटे में जाओगे, नहीं जाना है तुमको घाटे में, हम तुमको पैसा देंगे, लेकिन तुमको घाटे में नहीं जाना है, और अगर तुम घाटे में जाते हो तो हम तुम्हें पैसा देंगे, लेकिन तुम बस एक काम करो कि इस एप्पल का री इंजीनियरिंग करो। और री इंजीनियरिंग चाइना ने करते करते वन प्लस बना दिया और आज वन प्लस जो है वो एप्पल के मार्केट को क्या कर रहा है, कॉम्पिटिट कर रहा है। तो यही एक हमें मॉडल चाहिए। अब चाइना ने ऐसा क्यों कर लिया, क्योंकि चाइना डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, चाइना कम्युनिस्ट कंट्री है, चाइना आप कह भी नहीं सकते कि इज़ अ प्योर कम्युनिस्ट कंट्री, आप ये कह सकते हैं कि उसका जो आगे का पहिया है वो दिखाने वाला जो पहिया है वो कम्युनिस्ट है और जो पीछे वाला पहिया है वो कैपिटलिस्ट है, और आज US जैसे एप्पल जैसे कंपनी को वो कॉम्पिटिट कर रही है। तो वही काम हमें भी अपने इंडिया में करना पड़ेगा कि पहली बात तो जो हम इंडिया में हज़ार तरीके का लॉ बना के रखे हैं, ठीक है ना, यही लॉ जो है वो करप्शन को जनरेट करता है और यही लॉ जो है इस लॉ को हमें ख़त्म करना पड़ेगा, लेबर लॉ, इंडस्ट्रियल लॉ, ये लॉ वो लॉ, ये सारा ख़त्म करना पड़ेगा, इसको डाइल्यूट करना पड़ेगा। हम ऐसा भी नहीं कह रहे हैं ख़त्म करना पड़ेगा, डाइल्यूट करना पड़ेगा, जहाँ ज़रूरत है गवर्नमेंट को इंटरवीन करने की वहाँ इंटरवीन करे, जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ इंटरवीन ना करे, क्योंकि जितने ज़्यादा लॉ है ना उतने ज़्यादा करप्शन के क्या हैं साधन भी हमारे पास है, क्योंकि यही लॉ का सहारा लेके जो पुलिस वाला है या कोई वाला है वो करप्शन भी करता है, ठीक है ना। ब्लैक मनी अगर देश के अंदर है तो ज़्यादा बेटर है, ब्लैक मनी अगर देश के बाहर है तो वो ज़्यादा बेटर नहीं है। अगर किसी के पास पैसा है, अगर वो इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसको लॉ में मत फंसाओ भाई, उसको कहो इन्वेस्ट करे, क्योंकि अभी ये हालत यही है,
ठीक है, अभी ये हालत है, अगर कोई भी बंदा पैसा दबा के रखा हुआ है तो उससे बोलो भैया कि मार्केट में इन्वेस्ट करे और गवर्नमेंट उसको इन्वेस्ट कराए, समझ में आएगा नहीं आया? क्योंकि जब तक गवर्नमेंट उसको इन्वेस्ट नहीं कराएगी तब तक काम नहीं होगा। और यही चाइनीज़ मॉडल हमें अडॉप्ट करना पड़ेगा कि हमें स्मॉल और छोटी कंपनियों को किसी भी हालत में गिरने नहीं देना है, उनको प्रमोट करते रहना और उनको, क्योंकि देखो चाइना में तो टैलेंट भी नहीं है, इंडिया में टैलेंट बहुत ज़्यादा है, सबसे बड़ी बात है। बात अलग है कि उस टैलेंट को कभी गवर्नमेंट ने प्रमोट नहीं किया, क्योंकि उस टैलेंट को प्रमोट न करने का काम किसने किया? ब्यूरोक्रेसी ने किया, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी क्या है, उसी मानसिकता में फंसी हुई है, ठीक है ना, वो पुरानी वाली मानसिकता उसी मानसिकता में फंसी हुई है। और यही एक रीज़न है कि शायद गवर्नमेंट, ये हो सकता है कि उनसे एडवाइस देने में डर रही है और वो चेंज करना चाह रही है। तो कहने का मतलब क्या है कि हमें इस लेबर लॉ और तमाम चीज़ों को थोड़ा डाइल्यूट करना पड़ेगा। दूसरे नंबर पे हमें छोटी इंडस्ट्री को प्रमोट करना पड़ेगा और उनको पंप अप करने पड़ेगा पैसा, आप गवर्नमेंट को अपनी तरफ से पैसा देना पड़ेगा कि भैया ये पैसा लो और लेने के बाद काम करो और ये जो हज़ार तरीके का लॉ है इससे निकालो इन सबों को। फिर इसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि अपनी इकोनॉमी को रिवाइव भी कर सकते हैं और यूरोप जैसे मार्केट को या चाइना जैसे, अरे सॉरी अमेरिका जैसे मार्केट को हम कॉम्पिटिट भी कर सकते हैं। और दैट इज़ अ लिटरल मीनिंग ऑफ सेल्फ रिलायंस, यही सेल्फ रिलायंस का मीनिंग होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू अदर्स या तमाम चीज़ें नहीं। हम अगर इसी डिबेट में फंसे रहे कैपिटलिस्ट वर्सेज सोशलिस्ट, कैपिटलिस्ट वर्सेज कम्युनिस्ट, तो ऐसा नहीं चलेगा। हमें कम्युनिस्ट सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट और कैपिटलिज्म दोनों के मॉडल को अडॉप्ट करना पड़ेगा। जब दोनों के मॉडल को अडॉप्ट कर लेंगे, जहाँ ज़रूरत है वहाँ लॉ बनाओ, जहाँ ज़रूरत नहीं वहाँ ना लॉ बनाओ। ठीक है, 14 साल से कम का बच्चा इंडस्ट्री में काम नहीं करेगा, लेकिन जो 14 साल के ऊपर का है वो तो काम करेगा ना, उसको काम करवाओ। कहने का मतलब ये, क्योंकि अभी ये ज़रूरत है, अभी अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो वही यूपी और बिहार वाला हालत होगा। आप देख रहे हैं कि यूपी बिहार में इंडस्ट्री नहीं है, क्योंकि वहाँ के लोगों ने भी प्रमोट नहीं किया, वहाँ के पॉलिटिशियंस ने भी उसको प्रमोट नहीं किया, वहाँ के ब्यूरोक्रेसी ने उसको प्रमोट नहीं किया। हाँ, हर घर में IAS होता है यूपी में, ये भी है, लेकिन उसने कभी प्रमोट नहीं किया, गवर्नमेंट को एडवाइस नहीं दी, इंडस्ट्री नहीं लगाया। आपने सुना कि सूरत का कोई बंदा जो है वो यूपी में जाके लेबर का काम कर रहा है? नहीं, आपने ये सुना होगा कि यूपी का बंदा जो है सूरत में जाके लेबर का काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि सूरत में इंडस्ट्री है, ठीक है ना। अंग्रेज भी आए तो उन्होंने सबसे पहले इंडस्ट्री बंगाल में, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो है बॉम्बे से स्टार्ट किया। कहने का मतलब यही है कि भैया हमें अगर यूरोप और अमेरिका के मार्केट को कॉम्पिटिट करना है विद सेल्फ रिलायंस, ये स्वदेशी कहने से नहीं होगा। मेन चीज़ क्या करनी पड़ेगी आपको कि हमें ये चीज़ अडॉप्ट करनी ही पड़ेगी किसी भी हालत में, यही हमारा भी समय है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी एंड गिव योर नाइस कमेंट, ठीक है, अपने नाइस कमेंट दो, ठीक है, कि इस पर और क्या विचार विमर्श किया जा सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी विवेक गुरु जी, बाय।